हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम दिव्य. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर रूटीन. बेसिकली स्किन केयर रूटीन आपको फॉलो करने होते हैं 2 टाइम, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में. तो जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन. और एक बात और, जो आज का मेरा स्किन केयर रूटीन है वो है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए. यानी कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, मतलब आपका टी जोन ऑयली होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है. और मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी स्किन टाइप कोई भी कैसी भी क्यों ना, आपकी ड्राई हो, ऑयली हो, नॉर्मल हो, कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपको स्किन केयर रूटीन रेगुलर फॉलो करना चाहिए. क्योंकि स्किन केयर रूटीन अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे नाइट में और मॉर्निंग में, तो आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहेगी और आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी. हालांकि ऐसा नहीं होता है कि अगर आप स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, आप एकदम से काले हैं तो आपका कॉम्प्लेक्शन एकदम से फेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. बट आपको अगर एक्ने की, पिंपल की और रिंकल्स की, स्पॉट्स की प्रॉब्लम होती है तो वो आपको नहीं होगी. इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने स्किन केयर रूटीन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फॉलो करें. तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको करना है एक इंपॉर्टेंट काम, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करेगा, ताकि जब भी मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस स्किन केयर रूटीन की 5 बेसिक टिप्स हैं, क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन. तो चलिए हम अपने इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से एक एक स्टेप को कि आपको किस तरह से फॉलो करना है. सो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लींजिंग, यानी कि फेस वॉश. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो मेरा वीडियो है वो है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए. तो मैं आज अपने इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो होंगे सारे ऑयल फ्री. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्लींजिंग के लिए लेना होगा एक फेस वॉश. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्लीन एंड क्लियर का ऑयल फ्री फेस वॉश. ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं इसको ना जाना कितना सारा यूज़ कर चुकी हूँ, इसकी कितनी बॉटल से खाली कर चुकी हूँ. तो क्योंकि मुझे इसकी एक बात अच्छी लगती है, ये एक तो ऑयल फ्री है और ये आपको पोर्स को क्लॉग भी नहीं करती है. तो देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ करना है. तो पहले इस बॉटल को इस तरह खोलते हैं और इसको थोड़ा सा अपने हैंड पे लेना है. बस आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको बस इतना लेना है, सर आप देख पा रहे हो, इतना लेना है. और फिर आप अपने फेस को वेट करेंगे थोड़ा सा और इसको अपने फेस पे 50 to 55 सेकंड तक उसको मसाज करना है, फिर आपको फेस वॉश कर लेना है. सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और ऑलमोस्ट पैन ड्राई भी कर लिया है. तो फेस वॉश क्या करता है कि आपकी स्किन में जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकाल देता है. तो लेकिन इसने एक्स्ट्रा ऑयल को निकाला है, जो भी हमारे जो पोर्स के अंदर पॉल्यूशन, डर्ट जो जा चुकी, ये उसको नहीं निकालता है. तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ. सो जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा एक्सफोलिएशन, यानी कि स्क्रब. तो स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये क्लीन एंड क्लियर का ऑयल फ्री फेस स्क्रब. अगर आप चाहें तो आप अपने किचन के प्रोडक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन योर किचन. तो आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी, बेकिंग सोडा, शुगर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये वाला फेस स्क्रब. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फेस को वेट करना है. तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए मुझे कॉटन बॉल से मैं इसको वेट करूँगी. अगर आप इसको बाथरूम में करते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप बस फेस पे आपको पानी डालना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन बाथरूम में बहुत ज़्यादा इको होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ. तो सबसे पहले आपको एक कॉटन बॉल लेनी है, उसको आप इसमें थोड़ा सा वाटर में इसको डिप करना है और फिर अपने फेस को वेट कर लेना है. जब आप वेट कर लेंगे तो आप अच्छे से मसाज कर पाएंगे, वरना आप ऐसे कैसे मसाज कर पाएंगे. तो अब मैंने इसको वेट कर लिया है और अब इस स्क्रब को लूँगी और थोड़ा सा आपको लेना है अपने हैंड्स पे, बस इतना सा ही, बस आप देख सकते हैं. और इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से मसाज कर लेना है. मसाज करने से आपके जो भी डर्ट पॉल्यूशन होंगे या फिर जो डेड स्किन सेल्स वगैरह होते हैं और जो ब्लैकेट्स, वाइट हेड्स होते हैं, वो स्क्रब निकालने में काफ़ी हेल्प करता है. तो जनरली जो डेड स्किन सेल्स और ब्लैकेट्स, वाइट हेड्स होते हैं, वो हमारे नोज पे, इधर साइड पे और अपर पे और ये चिन पे, जनरली इधर पे ज़्यादा होते हैं. तो हमें अपने नोज़ एरिया को और चिन को अच्छे से मसाज करना होगा और बाकी अपने हमें पूरी स्किन को तो करना ही होगा, पूरे फेस को करना ही होगा. और जनरली हमें इस जगह पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है. तो हम इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे.
आप देख सकते हैं कि स्क्रब करने के बाद जो इतनी भी आपके डेड स्किन सेल्स और ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं वो सब रिमूव हो चुके हैं काफ़ी हद तक। देखिए आपकी स्किन, आपको जो भी गंदगी दिखती है, जो भी पॉल्यूशन डर्ट आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, वो सब आपके स्क्रब करने से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा आप अच्छी लगेगी आपको जब आप ऐसे करेंगे तो आपको इतना इसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील है। टोनिंग टोनिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर। जितना ज़रूरी होता है हमारे स्किन को फेस वॉश करना, स्क्रब करना, उतना ज़रूरी होता है टोनर भी यूज़ करना, क्योंकि जब हम अपने पोर्स को क्लीन करते हैं और उसे स्क्रब करके जितना भी डर्ट वगैरह उसको निकालते हैं तो हमारे पोर्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब कि ओपन हो जाते हैं। अगर हम उन्हें बंद नहीं करेंगे तो फिर से हमारे स्किन में सारे डर्ट पॉल्यूशन अंदर चले जाएंगे, जिससे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो इसलिए उन्हें बंद करने के लिए, उन्हें श्रिंक करने के लिए हमें यूज़ करना होता है एक टोनर। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का। आप जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आप चाहें तो आप इसको अपने हाथ हैंड्स पे लेकर भी इसको अपने कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक कॉटन बॉल, और इस कॉटन बॉल में थोड़ी सी कॉटन लेकर के इसमें डालूँगी ये कुछ इस तरह से, और फिर अपने फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। तो बस आपको लगा करके पूरे अपने फेस पे इसको ऐसे लगा लेना है। आपको अगर हैंड से लगाना है तो आप अपने हैंड से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे कॉटन बॉल से, कॉटन से लगा रही हूँ। बस अब आपको इसको एक दो मिनट के लिए अपनी स्किन में फोर्थ स्टेप है वो है हमारा मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली है तो आप मॉइस्चराइजिंग नहीं करेंगे, आप मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करेंगे। हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत होती है, चाहे वो ऑयली हो या फिर नॉर्मल ड्राई किसी भी टाइप की ना हो, स्किन को होती है ज़रूरत एक मॉइस्चराइजर की। तो आपको यूज़ करना है एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। मैं यहाँ पर न्यूट्रोजिना का ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पर इसका रिव्यू किया हुआ है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका लिंक दे दूँगी, आपको यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा लेना है अपने हैंड्स पे, ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेना है आपको, और इसको अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लेना है। आपको ध्यान रहे, आपको अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना होता है। आपको जो भी चीज़ यूज़ करें अपने फेस पे वो इवेनली आप अपने नेक पे भी अप्लाई करें, वरना आपका कॉम्प्लेक्शन सेम नहीं दिखेगा। आपको नेक पे भी प्रॉपर ध्यान देना होता है, अपने फेस की तरह ही ट्रीट करना होता है अपने नेक को भी। बस और आपको कोई भी मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ऐसे रगड़ना नहीं है उसको, बस हल्का सा इसको स्प्रेड करके, और उसको क्योंकि हम कर रहे हैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, तो हमारा जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप है वो है सन प्रोटेक्शन। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लोटस की सनस्क्रीन। मॉर्निंग में आपको जरूर अप्लाई करना है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना है सनस्क्रीन। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये लोटस की, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। इसमें यूवीए है, यूवीबी है, पीए डुअल प्लस है, SPF 30 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, और थोड़ा सा ये बाहर आया हुआ है तो इसको थोड़ा सा लेना है, और आपको जितना भी आपका एक्सपोज एरिया है हैंड्स पे, आर्म पे, नेक पे, जितना भी आपका एक्सपोज एरिया, आपको वहाँ वहाँ पर सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। तो अभी मैं आपको फेस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दिखाना है, एक्चुअली मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो आपको थोड़ा सा ले करके अपने पूरे फेस पे, अपने नेक पे इसको लगा लेना है। जब भी आप कहीं बाहर जाए अपना मेकअप करें तो उसके 15 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन लगा लेनी है, ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये था मेरा आज का मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन 5 बेसिक टिप्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।